दोस्तों, आप देख रहे प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक टीएनटी कैनन कैसे बनाना है। टीएनटी कैनन बनाने के लिए सबसे पहले जितना बड़ा बनाना उतने बड़े में हमको ऐसे स्टोन लगा देना है, कुछ ऐसे। फिर जैसे ही हो जाए ऐसे तीन ब्लॉक्स लगने चाहिए। मैंने तो बनाया ऐसे कुछ, उसका डिज़ाइन होना चाहिए। मैंने तो बनाया है अभी, मैं बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने 9x3 का बनाया है। आप 9 की जगह कोई और यूज़ कर सकते हैं, पर 3 को चेंज नहीं करना है। तो फिर हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे स्मूथ स्टोन स्लैब लगाना है, उसके ऊपर TNT लगाना है, इस साइड में स्टोन लगाना है, ग्लास लगाना है, इस साइड में रेड स्टोन लगाना है, फिर रेड स्टोन रिपीटर्स लगाने। रिपीटर कोई भी उल्टा नहीं लगना चाहिए। फिर लास्ट का ये ब्लॉक छोड़ना है। देखिए सारे रेड स्टोन रिपीटर्स फुल पे होने चाहिए। कुछ ऐसे, फिर यहाँ पे रेड स्टोन लगाना है, यहाँ पे रेड स्टोन रिपीटर, यहाँ पे वापस से रेड स्टोन, यहाँ से पूरा यहाँ तक रेड स्टोन का कनेक्शन आना चाहिए। रेड स्टोन तोड़ के यहाँ पे रेड वोल लगाना है, रेड वोल के ऊपर वापस से रेड स्टोन, फिर यहाँ पे कोई भी बटन। और अब लास्ट काम है, यहाँ पे वाटर डालना है। वाटर की वजह से ही फ्लो आएगा। और वही फ्लो की वजह से ये TNT कैनन में से उसमें वही मेन फ्लो है, वही मेन बात है जिसकी वजह से TNT कैनन में से TNT लॉन्च होंगे। तो अभी आप ये अभी देख ही सकते हैं। अरे भाई, इसने तो अंडा दे दिया, अंडे ले लेते। अब जैसे पानी डाला है तो पानी की अच्छा पानी पूरा फुल रहना चाहिए, ऐसे फ्लोइंग पानी होना चाहिए। देखिए पानी तो ख़त्म ही हो गया, इसमें तो चीटिंग हो गई है। पानी ख़त्म हो चुका है। अभी वाटर बॉटल से पानी डालो, दूसरा बास्केट पानी डालो, तीसरा डालो। अब देखिए पानी हो गया है। अब यहाँ पे ऐसे लगाते जाइए। तो फिर अब हम नीचे जाके देखिए कैसे लगता है। अब देखिए कैसे लॉन्च होता है। नीचे आया TNT, देखिए कितना दूर जाके लॉन्च हुआ, और वैसे वहाँ पे वो ब्लास्ट हो गया है। ऐसे ही TNT कैनन बनता है। और इधर लगाना है तो ऐसे TNT लगाते जाने हैं, और फिर लास्ट में एक ब्लॉक में ही पानी दिखना चाहिए। ये माइनिंग के लिए, अटैक करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। देखिए वहाँ पे कितनी बड़ी माइन बन रही है। देखिए आपने देखा कितनी बड़ी माइन बन रही है। यहाँ से हम चीज़ें भी कलेक्ट कर सकते हैं। सर्वाइवल में हम चाहे तो फिर ये बहुत अच्छे काम के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर आप एक्सबॉक्स में हैं और कोई एनिमी आपको अटैक करने आ रहा है तो फिर आप बटन दबाएंगे और वो अटैक उस पर होगा उल्टा। ये TNT इधर ही फट गया, और उसके पीछे भी एक बहुत अच्छा रीज़न है, क्योंकि मैंने पहले ही बटन दबा दिया था। अब देखिए सर्किट के में क्या होता है। जैसे हम दबाते हैं
बटन से रेडस्टोन उधर जाता है, उससे टॉर्च जलती है और टॉर्च वाला रेडस्टोन जलता है, जिससे टॉर्च वाला टीएनटी भी जल जाता है। इससे हम एक और बार में बिना टीएनटी के देखिए पूरा सर्किट। मैं एक बार टॉप से दिखा रहा हूँ सर्किट, देखिए यहाँ पे मैं टॉप से एक बार भर दे रहा हूँ और भरा हुआ सर्किट दिखाता हूँ। देखिए आगे जा रही थी एंटी क्योंकि ये जल चुके, अब टॉप देखिए आपकी माइन यहाँ पे है, कितनी गहरी होती है। इस माइन को हम जितना गहरा चाहे उतना कर सकते हैं, चाहे तो पानी में भी टीएनटी ब्लास्ट कर सकते हैं, क्योंकि पानी में देखिए पानी में टीएनटी जो है ना वो बहुत बिल्कुल ब्लास्ट नहीं होते, इसलिए पानी में टीएनटी ब्लास्ट करना बहुत टफ काम होता है। हमें वो इतने इसी जितने लेते हैं ना, हमें देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है टीएनटी ब्लास्ट करने का। और अगर अपन ये यूज़ करेंगे तो पानी में भी टीएनटी का इफेक्ट होता है, जैसा कि हम चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे लगाइए थोड़े कम टीएनटी लगाता हूँ ताकि पास में जाए। देखिए पानी में भी कितना बड़ा इफेक्ट हो गया उसका, एक्चुअली ये तो पानी में गया ही नहीं। तो अब हम थोड़ी वाटर नीचे डाल देते जैसे प्रेशर बढ़े, टीएनटी कुछ टीएनटी जैसे अब याद रहेंगे याद आ रहे। देखिए ये जल पानी के बीच पर भी ब्लास्ट करना टफ है, पर ये बीच पे ब्लास्ट करता है, पर पानी के अंदर इससे ब्लास्ट नहीं होता है। पानी के अंदर खदान खोदनी है तो फिर हमें खुद ही काम करना पड़ता है। और मेन बात तो ये है कि पानी के अंदर रेडस्टोन भी नहीं लगता, नहीं तो हम रेडस्टोन से जला भी सकते हैं। चलिए अब एक बार वापस से टॉप व्यू से मैं सर्किट दिखाता हूँ। जैसे हम दबाते हैं आप देख ही सकते हैं सर्किट में क्या क्या हो रहा है, या फिर आप एक बार पॉज कर दीजिए, बार बार पॉज करते जाइए वीडियो को, तो फिर आपको एक और बार सर्किट दिखेगा, क्योंकि मैं आपको स्लो मोशन में तो दिखा नहीं सकता। जैसे कोई रियल लाइफ का होता तो मैं स्लो मोशन में दिखा सकता था, पर अब मैं एक बार वापस से टीएनटी लॉन्च करूँगा। हम जितने टीएनटी भरेंगे उतना ही दूर जाएगा, पर हम पूरे टीएनटी नहीं भर सकते, थोड़ा पानी भी बहुत ज़रूरी है, पानी की वजह से टीएनटी आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए इसको आप और दूर ले जाना चाहते तो आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, और बड़ा करने के लिए आप रेडस्टोन तोड़िए और ये बटन भी तोड़ दीजिए, फिर ये भी तोड़िए, ऐसे तोड़ते जाइए, ये पानी स्प्रेड होगा। अब स्टोन लगाते जाइए, ऐसे इतना बड़ा करना है तो इतना बड़ा, फिर ऐसे तीन, और यहाँ से ब्लॉक्स लगाते जाइए। देखिए सारा पानी ये कलेक्ट हो चुका है। रेडस्टोन रिपीटर फिर लगाइए कुछ ऐसे, रेडस्टोन रिपीटर लगाते जाएंगे तो फिर यहाँ पे रेडस्टोन, फिर यहाँ पे वापस से रेडस्टोन रिपीटर, नॉट रेडस्टोन, रेडस्टोन रिपीटर आएगा, ऐसे लगाते जाइए। चलिए लग चुका है। अब एक बार वापस से बकेट ले लीजिए, बकेट सर्च करेंगे तो ये खाली वाली बकेट आती है ना, इसे लीजिए, इससे मैं पानी ले लेता हूँ वापस, क्योंकि मुझसे था लास्ट पानी शुरू होना चाहिए। ये देखिए यहाँ तक गया,
अब यहाँ पे लास्ट में थोड़ा पानी डालने से नहीं होगा, तो डालते हैं तो पानी थोड़ा आगे जाएगा। अच्छे से आगे डालते हैं हम, तो पानी थोड़ा और आगे गया। अब थोड़ा ऊपर डाल देते हैं पानी को। चलिए हमारा पानी का काम तो हो चुका है। अब यहाँ पे टीएनटी लगा दिए जाते हैं, और जो मेन टीएनटी है वो लगाना है। मेन टीएनटी नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा लॉन्च करने का भी। और इसे तोड़ के हम लगा देंगे रेड बुल, जिसके ऊपर भी होगा रेड स्टोन, इसके साइड में होगा बटन। बटन लगाते हैं तो फिर एक गलती थी, मतलब यार। चलिए अब हम एक और बार बनाते इसे। देखिए टीएनटी जिधर ब्लास्ट हो गए क्योंकि वहाँ पे रेडस्टोन नहीं लगा था, एक और बार बनाते हैं। चलिए मेरी गलती थी, ये ब्लास्ट हो गया। यहाँ पे रेड बुल, यहाँ पे स्टोन, यहाँ से ऐसे ले जाइए। कुछ ऐसे मैं ज़मीन पे बना रहा हूँ, पर मेरे दोस्त एडी गेम बॉक्स वाले चैनल को देखना, उसने इस पर वीडियो बनाया। उसने बोला है कि मेरे चैनल ने इसको हवा में बनाने के लिए बोला था, और ये भी बोला था कि ज़मीन पे नहीं बनाना है। उसने ये बताया और मेरे चैनल को झूठा बोलने के लिए। एक बार उसके चैनल पे देखना, अगर आपको कुछ भी गलत लगे तो मेरे चैनल पे आप किसी भी वीडियो पे कमेंट कर देना। देखिए मैं वापस से बना रहा हूँ, आप देख ही सकते कैसे बनाना है। अभी आप देख ही रहे हैं, रेडस्टोन यहाँ लगेगा। देखिए सर्किट ऐसे ही बनेगा, सब सेम डायरेक्शन में लगने चाहिए। रेडस्टोन यहाँ पे, वापस रेडस्टोन रिपीटर जो कि ऐसे में रहेगा। अब यहाँ पे वाटर उधर आ चुका है। अब टीएनटी, वाटर चाहे तो आप हवा में भी कर सकते हैं। और देखिए वो लॉन्च हो गया है। वहाँ पे मॉब था एक, वो किल हो गया। इससे आप किलिंग मार भी सकते हैं उनको, मारने के लिए माइनिंग के लिए भी बहुत काम का है। जैसे मुझे यहाँ पे माइनिंग करनी है तो फिर मैं थोड़ी दूर पे करनी है, तो फिर मैं डाला यहाँ पे बटन गया ऐसे आगे का। लास्ट हुआ, इससे हम कितनी भी गहरी माइन बना सकते हैं चाहे तो। माइन के लिए भी अच्छा समझ है, तो फिर आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि इसकी वजह से आप दूसरे एनिमीज को किल भी कर सकते हैं। सर्वाइवल होता है, सर्वाइवल में हम किल भी हो सकते हैं, और ये सब भूलना बहुत कठिन है इसलिए। ओनो मैंने वो तोड़ दिया। तो इस वीडियो के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया है तो, और मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। बाय। और मेरे एडी गेम बॉक्स में मेरा एक दोस्त है, उसका चैनल है एडी गेम बॉक्स, उसने बोला है कि मेरे चैनल मैंने ही ये बताया कि ज़मीन पे भी बन, ये ज़मीन पे नहीं बनेगा, उसने ऐसा बोला। तो
तो बाय।